फ्रेंड्स, आज मैंने एक पावर बैंक बनाया है 20000 mAh का। ये आप देख सकते हो, इसमें साथ ही सौर ऊर्जा की भी बैटरी लगी हुई है, जिसको इसको जल्दी से चार्ज करना नहीं पड़ेगा। तो ये बाहर घूमने के लिए जाते हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट पावर बैंक है। मैं भी इसकी टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हो, ये यहाँ पे लीली बत्ती चस्पूस कर रही है। ऐसा पावर बैंक आप बना सकते हो मेरे वीडियो देखकर। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में यह मुझे जरूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। चलो फिर वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं, इस पावर बैंक को बनाने की। फ्रेंड्स, ये मेरे पास कुछ सेल है पावर बैंक के साथ में सौर ऊर्जा की प्लेट फिट करूँगा और ये पावर बैंक का मॉड्यूल है। चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इनका साइज ले लेता हूँ। क्या देख सकते हो, हम बड़ा पावर बैंक बनाएंगे। सौ 4 सेंटीमीटर लूंगा चौड़ाई और लंबाई। यहाँ देख सकते हो, ये यहाँ पे आगे लगाऊंगा मैं। अब इसका साइज देखता हूँ कितना होगा। 19। तो फिर एक बार इसको सभी को सेट भी कर देता हूँ। ये मेरे पास पुट्टा है। आठ सेंटीमीटर की ले लेता हूँ। अब मैं इसको कटिंग कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, इसका मैंने थोड़ा साइज और बढ़ाया है, ये मैं आगे बताऊँगा इसका साइज मैंने क्यों बढ़ाया है। चलो मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। मैंने इसकी कटिंग कर लिया है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब इसकी नेप का मैं यहाँ से निशान लगाऊंगा। इसके साइज की, चलो फिर कटिंग करता हूँ मैं। फ्रेंड्स, अब ये दो सेल है, इसके बराबर की मैं जो बराबर लगने वाली पट्टी है वो कटूंगा। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये पीछे वाला हिस्सा है जो, ये भी मैं इसका काट लेता हूँ।
आगे वाला बाद में काटूंगा मैं, फिर मैं इस पे फेविकोल लगाऊंगा। एक बार इसके नीचे पट्टी लगा दूँ, यही ले डुलन है। अभी मैं इसमें कील मारूंगा। दूसरी तरफ मार लेता हूँ। मैं इसमें 3-4 किल मार लेता हूँ, वीडियो को पॉज कर देता हूँ। मैंने ये पट्टी असेंबलिंग कर ली है, अब मैं ये दूसरी वाली लगाऊंगा। चलो फिर ये लगा लेता हूँ। मैंने बॉडी को असेंबल कर लिया है, अभी मैं पीछे वाला लगाऊंगा। पहले मैं इसको निशान लगा लेता हूँ, यहाँ देख सकते हो। इसको इतनी इतनी कट कर लेता हूँ। मैंने ये फट्टी इसके नेप की कट कर ली है, आप देख सकते हो। अब मैं इसके ऊपर फेविकोल लगाता हूँ।
मैंने इसको फेविकोल लगा लिया है, अब मैं इसको इसके अंदर लगाऊंगा। मैं इसके ऊपर कील मार देता हूँ। मैंने कील मार दी है, इसकी मैं साइड में भी मार देता हूँ क्योंकि और मजबूत बना रहे। ये मैंने असेंबल कर ली है, अब मैं इसके आगे वाला बनाऊंगा तो फ्रंट में लगेगा पावर बैंक मॉड्यूल। ये आप देख सकते हो मैंने इसके आगे वाला हिस्सा काट लिया है, देख लीजिए इस प्रकार लगेगा ये। अब मैं इसके ऊपर इस पावर बैंक मॉड्यूल के निशान लगाऊंगा। ये जो ये वाला सिरा है ये बिल्कुल इसके सामने रखना है। अब मैं इनकी कटिंग कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये कटिंग कर लिया है, अब मैं इसके साइड के सामने यहाँ पे एक होल निकालूंगा, तो फिर मैं इस ट्री से निकाल लेता हूँ। ये मैंने कर लिया है, अब मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा। फ्रेंड्स अभी ये मैं 100 रुपये की प्लेट लगाऊंगा, इसमें मैं सबसे पहले इनका निशान मार लेता हूँ। ये आप देख सकते हो इसके बराबर मैं इतनी जगह छोड़ देता हूँ। ये इतनी कटेगी, फ्रेंड्स ये मैंने जो निशान लगाया है इसको मैं अभी कटिंग कर लेता हूँ।
इसकी मदद से। स्किप कर लेता हूँ मैं वीडियो को। फ्रेंड्स ये मैंने हॉल कर लिया है। अब ये जो सौर ऊर्जा प्लेट है मैं इसको ऐसे चपेटूंगा इसी फेविकोल की मदद से। ये आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस माइनस का निशान है पीछे। आप इनको ध्यान से चिपकाना और मुझे बताना कमेंट में कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। थोड़ी देर मैं इसको सूखने के लिए छोड़ देता हूँ। फ्रेंड्स ये सूख चुकी है अभी मैं ये फट्टी लगाऊंगा इसके बॉर्डर पे। चलो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ। अभी मैं यहाँ पे दो मेक मार देता हूँ कील। ऐसे ही मैं चार तरफ फट्टी लगा लेता हूँ एक बार, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स ये मैंने इसके ऊपर बाउंड्री जो है मैंने लगा ली। अब मैं इसके ऊपर ये जाली लगाऊंगा इसके लिए निशान मार लेता हूँ मैं। इसी तरह से मैं चारों तरफ इसके ये बाउंड्री लगा दूंगा। फ्रेंड्स ये मैंने चारों तरफ इसकी बॉडी लगा ली है। अब मैं इसको ग्लेंडर की मदद से इसकी सफाई लाऊंगा और ये कील भी रिमूव कर दूंगा, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ और बाद में मैं ये सोल्डर करूंगा। फ्रेंड्स ये मैंने जो पावर बैंक वाले सेल थे उसके चार चार के सेट कर लिए हैं, ये आप देख सकते हो। अब मैं इनकी जो वायर है कनेक्शन करूँगा। मैं आपको बता देता हूँ इसके जितने भी प्लस के और माइनस के निशान हैं वो प्लस के प्लस में होंगे और माइनस के माइनस में होंगे। पैरेलल में करेंगे हम कनेक्शन। चलो फिर मैं ये कनेक्शन करता हूँ। सारे प्लस के प्लस में हो जाएंगे और माइनस के माइनस में। फ्रेंड्स ये देख लीजिए मैंने ये जो प्लस के है उसको एक तरफ कर लिया और माइनस के एक तरफ। ऐसे ही मैं इसको कर लूँगा। फ्रेंड्स ये मैंने कनेक्ट कर लिए हैं। अब ये जो प्लस वाले हैं सारे इनको मैं एक में कनेक्ट करूँगा और माइनस वाले एक में कनेक्ट करूँगा। फ्रेंड्स मैंने ये बैटरी कनेक्ट कर लिए हैं प्लस और माइनस का।
अब मैं इसमें सौर ऊर्जा वाले वायर जोड़ूंगा, इसमें सारे प्लस एक तरफ करने हैं और माइनस के एक तरफ करने हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आगे फ्रेंड्स, इसके मैंने कनेक्शन कर लिए हैं, ये सफ़ेद वाला ये माइनस का है और हरा वाला प्लस का है। फ्रेंड्स, अब मैं ये जो मॉड्यूल है इसका ये वाला जैक उपयोग करूँगा इसकी बजाय। अब मैं इसमें ये जो ग्राउंड दे रखा है और इन यहाँ पे है, इसमें मैं डायोड लगा के लगाऊंगा। डायोड की जो ब्लैक पट्टी है वो तो इसमें लगेगी और वो सफेद पट्टी है वो यहाँ पे प्लस में लगेगी। चलो फिर मैं इसको लगा लेता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने इसमें डायोड लगा लिया है। अब ये जो बत्ती है और ये जैक है ये हम इसमें असेंबल करेंगे। ये जो बत्ती का लंबा वायर है ये प्लस का है, हम ये इसके साथ इसके प्लस में कनेक्ट कर देंगे और ये वाला है ये माइनस में कनेक्ट कर देंगे। अब मैं दोनों तारों को पावर बैंक मॉड्यूल के साथ कनेक्ट करूँगा। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो मेरे अंगूठे के ऊपर ये ग्राउंड का है और ये वाला है प्लस का है। ये मैं प्लस के साथ प्लस का और ग्राउंड के साथ ग्राउंड का कनेक्ट करके इसको असेंबल करता हूँ। फ्रेंड्स, ये मेरा तैयार हो चुका है। अब मैं इसके अंदर बैटरी असेंबल करूँगा। आप देख सकते हो ये मैंने इसके अंदर बैटरी असेंबल कर लिया है। अब मैं माइनस का माइनस के साथ अटैच करूँगा और प्लस का प्लस के साथ अटैच करूँगा। उसके बाद में ये जो माइनस का वायर है ये माइनस के साथ बैटरी में अटैच कर दूंगा, ये प्लस के साथ प्लस का, साथ में डायोड लगाकर। डायोड की जो ये सफ़ेद पट्टी है ये मैं इस तरफ लगाऊंगा और काले वाली पट्टी इस तरफ है। चलो फिर मैं वायर लगाता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने ये सौर ऊर्जा की फिट कर दी है वायर। ये जो सफ़ेद वाली माइनस की है ये मैंने इसके साथ बैटरी माइनस के साथ अटैच किया है और ये हरे वाली मैंने इस लाल वाले के साथ कनेक्ट किया प्लस की, साथ में बीच में डायोड भी लगाया है। ये जो गोल्ड पट्टी देख रहे हो ये प्लस की है और दूसरे ब्लैक वाले ये माइनस की है। अब मैं इसको पूरी पट्टी को फिट कर देता हूँ पेच लगा कर। राइट,